हेलो दोस्तों, आज हमने विशेष स्थान फ्यूचर कंटिन्यूअस को दिया है जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दर्शाते हैं। डिस्ट्रक्टिव ही यह हम पर निर्भर करता है हम इसे पॉजिटिवली लेते हैं या निगेटिवली। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह गा रहा होगा, वे लोग दौड़ रहे होंगे, ये तमाम वाक्य पॉजिटिव वे में है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दर्शा रहे हैं, प्रगतिशील हैं। वहीं दूसरी ओर सेंटेंस नंबर 4 और 5 कमिटमेंट बता रहे हैं। अब रही बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से है, तथा इसका रोल सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब ING के रूप में जाना जाता है। शैल का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, बाकी तमाम स्थानों पे विल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इट्स सो समथिंग कंटिन्यूज इन फ्यूचर इन अ प्लान्ड वे, यह टेंस यह भी बताता है कि कोई कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम 1 to 3 सेंटेंसेस, दीज ऑल सेंटेंसेस सो एस्पेकुलेशन यानी अनुमान बता रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, सेंटेंस नंबर 4 और 5, दीज 2 सेंटेंसेस सो कमिटमेंट। लेट्स हैव देयर ट्रांसलेशन। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग। वे लोग दौड़ रहे होंगे, दे विल बी रनिंग। मैं 5 बजे तक पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी रीडिंग बाई 5 o'clock। मैं 6 बजे तक काम कर रहा होऊंगा, आई शैल बी वर्किंग बाई 6 o'clock। इस प्रकार हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की जानकारी हासिल की। दोस्तों, लास्ट सेंटेंस के अनुसार यहाँ विषय काम का है, तो सेंटेंस 5 के अनुसार हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज रिमेन अनडिटर्ड। मेहनत करने वाले लोग हमेशा अनडिटर्ड रहते हैं, उन्हें किसी से भय नहीं होता, वो काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। After paying obeisance to God in the morning, they are engaged in work, never considered either to be awarded or neglected. जब सुबह होती है, प्रातःकाल वे ईश्वर को याद करते हैं, अपनी श्रद्धा, obeisance means अपनी श्रद्धा दर्शाते हैं, हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती करते हैं। उसके बाद दे आर इंगेज इन वर्क, वे अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। नेवर कंसिडर आइदर टू बी अवार्डेड और नेग्लेक्टेड, इस बात का ख्याल नहीं रखते उन्हें इसका अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की जानकारी हासिल की। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।